नमस्कार दोस्त, रेमेडी अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि नए नए वीडियो सीधे आप तक पहुंच सकें। और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। दोस्तों, हार श्रृंगार के पेड़ बहुत बड़े नहीं होते, इसमें गोल भी जाते हैं। इसके फूल बहुत ही सुंदर और सुगंधित होते हैं। पेड़ को हिलाने से वे नीचे गिर पड़ते हैं। वायु के साथ जब दूर से इन फूलों की सुगंध आती है, मन बहुत ही प्रसन्न और आनंदित होता है। दोस्तों, फूलों की डंडी नारंगी रंग की होती है और उसमें खुशबू बहुत आती है। रात को फूल खिलते हैं और सुबह जमीन पर गिर जाते हैं। हर श्रृंगार ठंडा और रुखा होता है, मगर कोई कोई गर्म भी होता है। तो आज हम आपको हर श्रृंगार के पौधे के आपको औषधीय गुण बताने वाले हैं, ये किस प्रकार हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसके गुणों के बारे में। दोस्तों, अगर आपको गठिया की समस्या है तो हर श्रृंगार पेड़ के 5 पत्ते तोड़ के पत्थर पर खींच लें, उसकी चटनी बनाइए और 1 गिलास पानी में इतना गर्म कीजिए कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा करके पीजिए तो 20-20 साल पुराना गठिया का दर्द भी ठीक हो जाता है। अगर घुटनों की चिकनाई खत्म हो गई है तो जोड़ों के दर्द में किसी प्रकार की दवा से आराम ना मिलता हो, तो ऐसे लोग हर श्रृंगार पेड़ के 10-12 पत्तों को पत्थर पर कूट कर 1 गिलास पानी में उबालें। जब पानी 1/4 बच जाए तो बिना छाने ही ठंडा करके पी लें। इस प्रकार 90 दिन में चिकनाई पूरी तरह वापस आ जाएगी। अगर कुछ कमी रह जाए तो फिर 1 महीने का अंतर देकर फिर से 90 दिन तक इसी क्रम को दोहराएं, निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर साइटिका का दर्द है तो हर श्रृंगार के पत्तों को धीमी आंच पर उबालकर काढ़ा बना लें। इसे साइटिका के रोगी को सेवन कराने से लाभ मिलता है। यह बंद रक्त की नाड़ियों को खोल देता है, यही कारण है यह साइटिका में कारगर है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या गंजेपन से परेशान हैं तो हर श्रृंगार के बीज को पानी के साथ पीस कर सिर के गंजेपन की जगह पर लगाने से सिर में नए बाल आने शुरू हो जाते हैं, जड़ों में नए बाल फूटने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप बवासीर से परेशान हैं तो बवासीर के निदान के लिए ही रामबाण औषधि है। इसके 1 बीज का सेवन प्रतिदिन अगर किया जाए तो बवासीर रोग ठीक हो जाते हैं। हर श्रृंगार के बीज का लेप बनाकर गुदा पर लगाने से बवासीर के रोगी को काफ़ी राहत मिलती है। अगर लीवर की परेशानी है तो 7-8 हर श्रृंगार के पत्तों के रस को अदरक के रस और शहद के साथ सुबह शाम सेवन करने से इसमें फायदा मिलता है। दोस्तों, इसके फूल हृदय के लिए भी उत्तम औषधि माने जाते हैं। वर्ष में 1 महीना हर श्रृंगार के फूल आने पर यदि इन फूलों या फूलों का रस का सेवन किया जाए तो हृदय रोग से बचा जा सकता है। हर श्रृंगार की पत्तियों को पीस कर लगाने से दाद ठीक हो जाती है। दाद में यह औषधि बहुत चमत्कारी है। अगर कोई त्वचा रोग है तो हर श्रृंगार की पत्तियों को पीस कर त्वचा पर लगाने से त्वचा से संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। हर श्रृंगार की पत्तियों से बने हर्बल तेल को भी त्वचा रोग में भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको दमा का या कोई सांस का रोग है तो हर श्रृंगार की छाल कफ चूर्ण 1-3 रत्ती पान में रखकर प्रतिदिन 3-4 बार खाने से कफ का चिपचिपापन कम होकर आपके दमा में लाभकारी होता है। अगर आपको कहीं खुजली की समस्या है तो हर श्रृंगार के पत्ते और नाचकी का आटा मिलाकर पीस कर लगाने, ये दही में सोन गेरू घिस कर पिलाने, ये हर श्रृंगार के पत्ते दूध में पीस कर लेप करने से लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये थे हर श्रृंगार के फायदे। आगे हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक नुस्खे लेकर आते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।